गुड मॉर्निंग गाइस, टुंडा पूज में हम लोग निकलेंगे एक आध घंटे में। अभी तो आज आएगा इस अभी थोड़ी देर में, आधा घंटे चलने के बाद पटरा घाट, इसे काफ़ी डेंजर बोलते हैं। तो निकलने से पहले ये भाई जी की थोड़ी बहुत योगा देख ली मैंने, और ऐसी जगह पे आके योगा या मेडिटेशन करने का एक अलग ही मज़ा है, जहाँ पे आपको बड़ी ताज़ा हवा, प्योर ऑक्सीजन मिल रहा है। तो गाइस, ये है टुंडा पूज से व्यू। कल के दिन मैं शूट नहीं कर पाया था क्योंकि काफ़ी क्लाउड्स थे और ये कोई माउंटेन दिखाई नहीं दे रहे थे, और मैं दूसरी साइड में कैंपिंग कर रहा था वो भाई जी के साथ। तो अभी जस्ट मैंने रिवर क्रॉस करके थोड़ा बहुत शूट कर लिया। तो आप टुंडा पूज में होंगे तो आपको ये व्यू रहेगा, ये आपके सामने आएंगे पहाड़। तो अभी टुंडा पूज से निकल रहा हूँ, 8:30-9 बज रहे हैं अभी। सही जगह है टुंडा पूज भी, यहाँ पे एक अच्छा भाई जी मिल गया, आते वक्त मिलेंगे इनसे। तो यहाँ पे मेरा तीसरे दिन का ट्रैक शुरू हो गया, और फिर से जहाँ पे मैं सोच रहा था आधे घंटे में मतलब पहुँच जाऊँगा मैं पटरा घाट, बट फिर से आधे घंटे में पहुँच नहीं पाया। ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग ही गया मुझे पटरा घाट पहुँचने के लिए। तो चलिए आज देखिए आप पार्वती रिवर। तो ये पार्वती रिवर है, और तकरीबन पूरा मानतलाई ट्रैक मतलब आपको पार्वती रिवर के बाजू से ही जाओगे आप, तो पार्वती रिवर आपको हमेशा दिखती रहेगी। गाइस, अकेले मानतले ट्रैक नहीं प्लान करना प्लीज़, किसी
प्रोफेशनल गाइड या लोकल को लेके ही जाना काफ़ी रिस्की ट्रैक है। और जो अभी पार्ट आएगा पटरा घाट, उस पर काफ़ी संभल के जाना, खास करके आपकी बैग, यूजुअली आपकी बैग ही कहीं ना कहीं टकरा के आपका बैलेंस खो सकता है, यही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो अभी जो मैंने शूट किया है उसमें आपको उतना डेंजरस शायद ना लगे, बट ट्रस्ट मी, ये काफ़ी रिस्की पॉइंट है पटरा घाट। तो गाइस पटरा घाट आ चुका है, जैसे इलेक्ट्रिक का एक डेंजरस पार्ट है, पूरा पत्थर पत्थर है। चलो धीरे धीरे चलते हैं, अभी संभाल संभाल। यहाँ पे एक गलत कदम और बंदा सीधा पार्वती रिवर में जा सकता है, और यहाँ का पार्वती रिवर का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है। अगर गलती से कोई फिसल जाता है रिवर में तो उसके बचने के चांसेस बहुत ही कम है, लगभग ना के बराबर। तो यहाँ पे बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। इस बार काफ़ी बारिश कम है तो काफ़ी टेरेन सूखा हुआ था, तो वो मेरे लिए काफ़ी आसान था जाना। बट फिर यूजुअली मैं जब हर साल जाता हूँ तो काफ़ी फिसलन होती है, क्योंकि काफ़ी बारिश होती है और
है, इस साल काफ़ी पानी कम है, क्रॉस करना तो काफ़ी आसान है इस बार। गाइस पटराघाट क्रॉस कर लिया है मैंने, तेज भूख नहीं है। चलो इससे आगे तो सही सही रास्ता है, बस ये एक पॉइंट आता है जहाँ पे काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है। इसके बाद आएगा पांडू पुल, से पहले वाला पत्थर। तो ये लोकल्स हैं यहाँ पे, जड़ी बूटी खोदने के लिए आए थे, तो काफ़ी लोकल्स यहाँ से वापस जा रहे थे जड़ी बूटी लेके। तो अभी मैं ठाकुरकुआ पहुँच चुका हूँ, तो सोच रहा हूँ कि आज यहाँ नहीं रुकूँगा, अभी काफ़ी टाइम है अपने पास, थोड़ा और एक आध घंटे चल के आगे कहीं पे कैंपिंग करूँगा। What? तो गाइस ये होगा व्यू आपका ठाकुर कुआं से अगर आप यहाँ पे कैंपिंग करते हो। ये भी काफी सही जगह है। तो लगभग मैं 45 मिनट्स और आगे गया ठाकुर कुआं से, और फिर मैंने अपना टेंट बिछा दिया और वहीं पे कैंपिंग कर ली। तो ये पूरी शाम वैसे काफ़ी क्लाउड्स रहे, तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं पाया, तो जो व्यू था भी देखेंगे आप, दिखाऊंगा मैं आप। हर साल इन ट्रेल्स पे काफ़ी लोग मिलते हैं, काफ़ी ग्रुप्स जाते हैं पार्वती पिन पास मांदरले ट्रैक को, बट इस साल कोई टूरिस्ट नहीं है। जो भी लोग जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये तो सारे लोकल्स हैं। इस साल कोई टूरिज्म ना होने की वजह से सारे लोकल्स भी जंगलों में जड़ी बूटियाँ ढूंढने के लिए काफ़ी जा रहे हैं। तो गाइस ये था मेरा आज का सफ़र तुंडा बूथ से ठाकुर कुआं तक।
तो गाइस मेरे कल के ट्रैक की वीडियो मैं डालूँगा अगले हफ्ते, जो कि होगी यहाँ से लेकर बड़ी ज्वाल तक, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज़ देखते रहिए।